नमस्कार दोस्तों, मैनेजर चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है फेरोसीमेंट टेक्नोलॉजी। फेरोसीमेंट टेक्नोलॉजी इज अ हाईली वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। फेरोसीमेंट क्या है? फेरोसीमेंट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसमें वायर मेश और सीमेंट मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि फेरोसीमेंट का लो वेट होने की वजह से और कुशल या स्किल्ड वर्कर्स कम लगने की वजह से और फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से इसका यूज बहुत ही वास्ट होता है। फेरोसीमेंट का डेवलपमेंट पीएल इटालियन आर्किटेक्ट है इसने किया। क्वालिटी फेरोसीमेंट का क्वालिटी एकदम एश्योर कर सकते हैं क्योंकि वो कंपोनेंट्स जो है वो मैन्युफैक्चर मशीनरी के सेटअप के ऊपर उसके कंपोनेंट मैनुफैक्चर होते हैं और उसको भी लगने वाला एग्जीक्यूशन टाइम साइट पे जो है वो बहुत ही कम होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही लो है और ये पिछले 2 दशकों से इसका यूज बढ़ रहा है। फेरोसीमेंट की प्रॉपर्टीज। फेरोसीमेंट हाईली वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है। ये थिन या फिर पतला रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल डायमीटर मतलब जो वायर रहते हैं वायर मेशेस रहते हैं वो यूनिफॉर्मली फिक्स रहते हैं और इसका मेश जो रहता है वो सुटेबल मटेरियल का रहता है जैसे मेटल का हो और किसी पार्ट का हो। कंक्रीट और पोर्टलैंड सीमेंट जो कंक्रीट में यूज करते हैं इसकी जो है यहाँ मॉर्टर यूज करते हैं और फेरोसीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो मेनली क्वालिटी ऑफ सैंड एंड सीमेंट मॉर्टर मिक्स ये दोनों के ऊपर डिपेंड है और उसके साथ ही क्वांटिटी ऑफ रिइंफोर्सिंग मटेरियल जो भी यूज किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड है। इसमें अभी कौन कौन सा मटेरियल यूज किए जाते हैं? सबसे पहला सीमेंट, उसके बाद है फाइन एग्रीगेट, उसके बाद है वाटर, उसके बाद है एडमिक्सचर, उसके बाद है मॉर्टर मिक्स, इसके बाद है रिइंफोर्सिंग मेश, इसके बाद है स्केलेटल स्टील जो आप यहाँ पूरा स्केच में या इमेज में देख सकते हैं और लास्ट वाला है कोट। एडवांटेजेस ऑफ फेरोसीमेंट। फेरोसीमेंट का बेसिक रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल रहता है पूरे दुनिया में किसी भी देश में। इसमें फेरोसीमेंट का जो है वो फैब्रिकेशन किसी भी शेप में हम कर सकते हैं या फिर डिजायर्ड शेप जो भी रिक्वायर्ड है उसमें हम फैब्रिकेशन कर सकते हैं। इसमें स्किल्ड लेवल की ज्यादा जरूरत नहीं होती और इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस वो एकदम इजी है, लो लाइट वेट है और ये लॉन्ग लाइफ है और लो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट। इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट एकदम कम रहता है और बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के लिए अच्छा रेजिस्टेंस माना गया है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फेरोसीमेंट। सबसे पहला है स्ट्रक्चर मेड ऑफ इट कैन बी पंक्चर बाय कोलिजन विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, मतलब ये कोलिजन की वजह से पंक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद है करोजन ऑफ रिइंफोर्सिंग मटेरियल, ये जो भी जाली रहती है मेश रहती है उसका करोजन होने का चांस रहता है अगर ये फुल्ली कवरेज किया गया मोटर से कवरेज नहीं किया है। इसके बाद है डिफिकल्ट टू फासन ऑफ फेरोएल्युमिनियम विद बोल्ट्स स्क्रूज वेल्डिंग एंड नट्स, मतलब फेरोसीमेंट उसको बोल्ट से नट से या वेल्डिंग से टाइट बांधने में बहुत ही मुश्किल होती है। इसमें नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड लार्ज, मतलब ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें कॉस्ट ऑफ सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है। स्किल्ड वाले भी कम लगते हैं बट सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर इसमें ज्यादा लगते हैं। और टाइम रॉड्स एंड मेश, मतलब ये रॉड्स और मेश जो इकट्ठा बांधते हैं मेनली वो थोड़ा टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग जॉब है क्योंकि ये रॉड्स को मेश को एक साथ उसको जोड़ के एक लाइन में बांधना है, इसमें बहुत टाइम टेकिंग जॉब है।
अब इसमें एक बेसिक मेथडोलॉजी है जैसे फेरोसिमेंट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, इसे आप स्केच में देख सकते हैं। एक फेरोसिमेंट स्ट्रक्चर मेनली फॉर्म ऑफ फैब्रिकेटिंग द मेश रेइंफोर्समेंट, मतलब मेश रेइंफोर्समेंट को फैब्रिकेट करना है एक जो भी रिक्वायर्ड साइज ऑफ शेप है उसके साइज में, और उसके बाद में उसको मोर्टर से कवर करना है, मतलब जाली या फिर मेश तैयार करना है और बाद में उसको मोर्टर से कवर करना है और बाद में उसको क्यूरिंग करना है। अब ये मेथड सबसे पहला है वेल्डिंग स्केलेटन स्टील फ्रेमवर्क। इसमें जो स्केलेटन या फिर ढांचा आप बोल सकते हैं स्टील वाला जो ढांचा रहता है उसको वेल्ड किया जाता है, जो भी अपना एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है मटेरियल शेप है साइज है उसको स्ट्रक्चर का उसको वेल्ड किया जाता है। वेल्ड करने की वजह से ये रिजिड बनता है ताकि इसका एग्जैक्ट शेप हम देख सकते हैं या फिर पा सकते हैं और उसको लाइन लेवल में देख सकते हैं। दूसरा है टाइम मेश रेइंफोर्समेंट टाइटली ओवर इट टू फॉर्म केज। इसका मतलब वेल्ड मेश और फाइन वायर चिकन मेश जो है वो वेल्डेड स्केलेटन के ऊपर एक टाइटली बांधना है और उसको बांधते समय उसको स्ट्रेच करके या फिर खींच करके अच्छी तरह से उसको बांध के उसके ऊपर बाद में मोटर ये करना है। जो टाइटली टाइम मेशेस मतलब मेश जो टाइटली बांधा रहता है ये मेनली की पॉइंट है फेरोसिमेंट कंस्ट्रक्शन का, उसके ऊपर हम ऊपर मोटर अप्लाई करते हैं। इम्प्रिगनेटिंग द मेश केज विद रिच सीमेंट मोटर फिनिशिंग एंड फिलिंग। इसमें कैसा है स्टील सीमेंट मोटर है ये एक लेयर्स में मेश के लेयर्स में भरा जाता है, बाद में उसको प्रेस करके प्रेस करते हैं और इसमें मोटर जो है वो मेश के इनसाइड मतलब मेश के दोनों तरफ से मेश के अंदर उसको प्रेस करके भरा जाता है। ये सारी जो स्टेप्स ऊपर हमने बताई है वो एक सीक्वेंस के थ्रू की जाती है। जैसे कि लार्ज साइज का कंस्ट्रक्शन है तो उसमें हम एक साथ ये कर सकते हैं, बट सीक्वेंस की कहें तो ये अच्छा रिजल्ट आता है या फिर अच्छा क्वालिटी का हम फिर उसमें बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ आरसीसी एंड फेरोसिमेंट। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी के पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू इसका कंपैरिजन किया गया है। अभी सबसे पहला है थिकनेस। रेइंफोर्समेंट कंक्रीट का मिनिमम थिकनेस 75 mm रहता है जबकि फेरोसिमेंट का 25 टू 58 mm रहता है। मैट्रिक्स मटेरियल से रेइंफोर्समेंट कंक्रीट में सीमेंट और कंक्रीट रहता है जबकि फेरोसिमेंट में रिच सीमेंट मॉर्टर रहता है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार 6 एमएम से ज़्यादा जो भी डायमीटर बार है वो स्पेसिफिक स्पेसिंग के ऊपर रखे जाते हैं और बाद में कंक्रीट किया जाता है, जबकि फेरोसिमेंट में इसमें कंटिन्यूस फाइन वायर मेश यूज किया जाता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रेंथ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वीक इन टेंशन बॉन्ड एंड शेयर जबकि फेरोसिमेंट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ सुपीरियर बॉन्ड एंड शेयर स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ है 4-6 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर जबकि फेरोसिमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ है 80-90 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। स्ट्रेंथ तो टू वेट रेशियो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो 15:50 है जबकि फेरोसिमेंट का स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है 45:90। कास्टिंग प्रोसेस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कास्टिंग प्रोसेस मतलब इसमें फॉर्मर की जरूरत होती है शटरिंग की जरूरत होती है और इसके चलते बाद में हनी अगर प्रॉपरली कॉम्पैक्शन या प्रोवेशन नहीं किया तो हनी कॉम्बिंग आने के चांसेस रहते हैं, जबकि फेरोसिमेंट में टाइटली टायर वायर मेश जो वायर है इसको एज अ सपोर्ट एक्ट करती है, मतलब जो मेश है एज अ सपोर्टिंग मेंबर एक्ट करती है और इसमें फीलिंग जो रहता है मोटर का डेंस और कॉम्पैक्ट रहता है, इसमें हनी कॉम्बिंग आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। कंपोजिशन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कंपोजिशन हेटरोजीनियस है जबकि फेरोसिमेंट का कंपोजिशन होमोजीनियस है। गेन ऑफ स्ट्रेंथ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का गेन ड्यू टू साइज एंड शेप रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ पाता है जबकि फेरोसिमेंट
ड्यू टू शेप ऑफ स्ट्रक्चर इसका स्ट्रेंथ आता है। स्ट्रक्चर रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जबकि फेरो सीमेंट एक नॉन रिजिड स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।